हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी ये, हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना ए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिनको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिनको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए कि बातें ऐसी बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा, मीठी बोली बोले सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोले सबको कड़वे बोले बोले के न जिंदगी गुजारिए, कड़वे बोले बोले के न जिंदगी हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसा प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी ये, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न ये, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते हंसिए भाई हंसिए ना गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुज, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी, मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, श्री साहिब जी की आज्ञा हुई आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के समक्ष एक भजन और कुछ थोड़ी सी बातें प्रस्तुत है। दुनिया में इतिहास झांक कर देखा जा सकता है, बड़े बड़े किला, बड़े बड़े राजे महाराजे,
दुनिया से चले गए, बस उसी पर एक सांकेतिक भजन है। एक दिन घरवा बिरान होए, एक दिन घरवा बिरान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए। एक दिन घरवा बिरान होए, एक दिन घरवा बिरान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए। छूट जाए हैं भाई बाबू धन दौलतिया, संघवा न जाई है तुम्हारे पलंग पोस तकिया, छोटे जाई है भाई बाबू धन दौलतिया, संघवा न जाई है तुम्हारे पलंग पोस तकिया, मटिया में तुम्हारो मिलान होए, मटिया में तुम्हारो मिलान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए। एक दिन ये घरवा, एक दिन ये घरवा बिरान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए। जगवा में आके किया हीन कमवा, माया के लोभ में बेसारे हरि नमवा, जगवा में आके किया हीन कमवा, माया के लोभ में बेसारे हरि नमवा। एक तुम्हारो करम बलवान होए, एक तुम्हारो करम बलवान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए, सबका बारे बारे, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए। एक दिन ये घरवा उजार होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए। जगवा से बांध जाइबा पाप की गठरिया, धर्म राज मोड़ लई है तुमसे नजरिया, जगवा से बांध जाइबा पाप की गठरिया, धर्म राज मोड़ लई है तुमसे नजरिया। हाँ नरकवा में तुम्हारो ठिकान होए, नरकवा में तुम्हारो ठिकान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए। एक दिन ये घरवा बिरान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होए।
कहाँ ही कबीर जब आए मोतिया, के हो जाए दिन वा तो के हो जाए रतिया। कहाँ ही कबीर जब आए मोतिया, के हो जाए दिन वा तो के हो जाए रतिया। लड़का व बूढ़वा जवान होई, सबका बारे बारे दुनिया से चलान होई। एक दिन ये घरवा बिरान होए, सबका बारी बारी दुनिया से चलान होए। सबका बारी बारी दुनिया से चलान होए, सबका बारी बारी दुनिया से चलान होए। सबको एक दिन यहाँ से जाना है। सबको पता होता है, लेकिन फिर भी ये मन इतना भूला होता है दुनिया में कि भजन नहीं कर पाता है। सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी हमें याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? कि लोग दुख में सुमरण करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत ही सरल सार गर्भित साखी है और सबके दिल दिमाग में ये बात कई बार आई होगी। ये साखी कान में ये शब्द गए होंगे, सद्गुरु कबीर साहब की ये वाणी गूंजी होगी और विचार भी किए होंगे कि सच्चाई क्या है। वास्तव में जब शरीर में ताकत नहीं होती है, जेब में पैसे नहीं होते हैं, कोई रोग होता है, परिवार साथ छोड़ देता है, कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, समाधान नहीं मिलता है, तभी लोग भगवान को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, भजन की याद आती है और मंदिर में जाना चाहते हैं, एकांत तीर्थ करना चाहते हैं, गंगा नहाना चाहते हैं, बहुत कुछ याद आता है। साहब कहते हैं दुख में सुमिरन तो सभी करते हैं। दुख में मजबूरी हो जाती है, याद ना करें तो करें तो क्या करें। लेकिन आगे याद दिलाते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हम शरीर में ताकत है, निरोग हैं, घर भी बढ़िया है, परिवार के लोग अनुकूल हैं, शरीर भी बढ़िया साथ दे रहा है, कहीं भी जाते हैं लोग सम्मान करते हैं, यदि उस समय भजन की याद आए, उस समय सत्संग में जाने का मन हो, उस समय गुरु की याद आए, उस समय कुछ दान करने का भाव जगे, उस समय सहारे किसी की सहारा बनने का मन हो, तो कितनी बड़ी बात है। उस समय तो इतना जोश होता है कि होश सब खो जाता है। किसी ने कितना सुंदर कहा कि होश जब होता है तो जोश नहीं होता है, बुढ़ापा आता है तो होश आता है, मन में भजन करने का मन होता है तो जोश खत्म हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, शरीर कांपता है, चल नहीं पाते हैं, जेब में पैसा भी नहीं होता है। बच्चों से कहो बेटा कुछ दान करने का मन हो रहा है, संत आए हैं, कोई भिक्षुक आया है, उसको कुछ देने का मन होता है तो बेटा मुँह फेर लेता है, कुछ देना नहीं चाहता। जब उनके जेब में पैसे थे तब होश नहीं था,
जब पैसा था, जब शरीर में ताकत थी, तो किसी के सहारा बने नहीं, बल्कि अहंकार दिखाते रहे। मंदिर में खूब दीपक जलाए, मंदिर में खूब सिर टेके, लेकिन बाहर बैठे भिखारी को घृणा के दृष्टि से देखते रहे, उसे तुच्छ देखते रहे, हीन भावना से उसको देखते रहे, और दे दिए भी तो बड़ी घृणा की भावना से दिए, अहंकार पूर्वक दिए, कहीं ना कहीं कुछ सुना कर दिए। ये कहीं ना कहीं हमारे मन की कमजोरी है। सब ये तो सही बात है कि दुनिया में कर्मों का सिस्टम है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। सब अपने अपने कर्मों का दंड यहाँ भोगते हैं, ये तो सच है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं वो भी हमारा कर्म बन रहा है, वो भी हमारा प्रारब्ध बन रहा है। कबीर साहब ने कहा है, सुख देने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। यदि हम आज सुख देंगे, यदि आज हम किसी के सहारा बनेंगे, आज किसी के सहयोगी बनेंगे, किसी को लाभ दिलाएंगे, किसी के लिए अच्छे भाव रखेंगे, किसी की उन्नति में खुश रहेंगे, ईर्षा द्वेष से बचे रहेंगे, अपने अंदर वासनाओं विकारों को जगने नहीं देंगे, तो निश्चित है यही प्रारब्ध हमारे लिए अमृत का काम करेगा और एक दिन मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकेगा। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, तो निश्चित है अपने मन को समझना होगा और सुख में सुमिरन करने का भाव जगाना होगा। आज हम सुखी हैं, आज हम हर तरह से, हमारा शरीर साथ दे रहा है, परिवार साथ दे रहा है, मन भी साथ दे रहा है, बुद्धि भी साथ दे रही है, मस्तिष्क सही है, शरीर भी निरोगी है, सब तरफ से अनुकूलता है। आज यदि भजन हम कर लिए तो यही भजन प्रारब्ध बन करके हमें अमृत बना देगा, अमर बना देगा, और दुनिया में कुछ ऐसा बना देगा कि उस कवि की बात याद करें, जिंदगी ऐसी जियो, जिंदा रहे दिल साथ तू, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसा कुछ हमारा जीवन हो जाएगा कि लोग याद करेंगे। याद का उल्टा दया होता है, दया करने वाले को ही लोग याद करते हैं। वैसे याद तो लोग खूंखार को भी याद करते हैं, लेकिन गाली देते हैं, घृणा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का कांटा था, उसे कौन ख्याल करना चाहता है? कभी ख्याल भी आ जाए तो घृणा होती है मन में, देखने का मन नहीं होता है, याद करने का मन नहीं होता है। लेकिन बुद्ध को याद करो, राम भगवान को याद करो, कृष्ण भगवान को याद करो, कबीर को याद करो, और भी कन्फ्यूशियस को याद करो। बहुत सारे महापुरुष दुनिया में हैं, सुकरात जैसे महापुरुष हैं, जब याद करते हैं तो दिल भर जाता है, दिल में ऐसा कुछ भाव जगता है कि क्या पूछना। तो जब हमारा मन सही होता है, और मन कब सही होता है, मन कब निर्मल होता है, जब हम सुख में सुमिरन करते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब की साखी हमें याद दिलाती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो सुखी होता है यदि वह भजन करता है तो महान हो जाता है, और दुखी यदि भजन करता है तो निश्चित है उसको बहुत लाभ मिलता है, हर तरह से लाभ मिलता है। गरीब आदमी यदि धर्म करता है तो अपने अमीरी की ओर जाता है, और यदि अमीर आदमी भजन नहीं करता, धर्म नहीं करता, तो गरीबी की ओर चला जाता है। तब से राज और राज से नरक कहा गया है। सद्गुरु अभिलाष साहब कहते थे कि तपस्या किए, और तपस्या कौन करता है? जो गरीब होता है, दुखी होता है, तो तपस्या करके राजा बन गए, बहुत बड़े नाम वाले बन गए। लेकिन नाम वाले बन करके, राजा बन करके अहंकारी हो गए, अहंकारी बन गए तो नरक में चले गए। तो साहब हमें कहते हैं, सुख में सुमिरन करो, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो सके, मन निर्भय हो सके, मन में पूर्ण शांति का अनुभव हो सके। तो सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी और एक भजन आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया, उसी पर कुछ विचार रखा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब।